कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। जाने हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सेहतमंद बरसरे रोजगार लोग दुनिया से जा रहे हैं। अभी रमजान शरीफ में जो वाकयात सामने आए, आपने देखा एक फेडरल मिनिस्टर उनकी भी डेथ हुई और उसके अलावा 400 से ज्यादा लोग इस सबर और बर्दाश्त वाले महीने में सड़कों पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और उसके अलावा 4,500 के करीब ऐसे लोग हैं जो इस बार अपनी ईद नहीं मनाएंगे। क्यों? कि वो आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर अपने बैंडेज करा के, किसी की हेड इंजरी हो गई, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो वह बिस्तर पर होंगे। उनके साथ साथ घरों में मौजूद हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, वालदैन, ये भी परेशान होंगे। तो वो बेड पर जरूर सोचते होंगे कि यार वो लम्हा शायद मुझसे कुछ गलती हुई। तो वो लोग भी जरूर सोचें, अपनी गलतियों पर नजरसानी करें कि यार मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाऊंगा। तो बराह करम, ये सिर्फ रमजान शरीफ की बात नहीं है, हर महीने हर दिन हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे मुतासर लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो मेरा मुखातिब खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे वाले दोस्त हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसा की नजर हो रहे हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। एक तो आप अपने बच्चों को या खुद से ये आदत बनाने के, घर में अगर मोटरसाइकिल मौजूद है तो उसके साइड मिरर बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस और बाकी इदारे रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से जब कोई अवेयरनेस कंपेन चलाते हैं तो हेलमेट पर बहुत तवज्जो दी जाती है। हेलमेट बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ साइड मिरर बहुत जरूरी है। आपको अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी आंखों से आप सामने देख रहे हैं और मिरर की मदद से आपको बैक पर तमाम आने वाली ट्रैफिक पर भी नजर है, तो ये जरूरी है। प्लीज इस पर जरूर गौर करें। और अपने कम उम्र बच्चों को हम मोटरसाइकिल चलाने से नहीं रोक सकते। एक बहुत बड़ी तादाद है सड़कों पर जो अंडर एज ड्राइवर्स की है, जो कि 15 से 18 साल के हैं और उनका लाइसेंस और आईडी कार्ड नहीं बना होता, लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे अच्छी ड्राइविंग करते हैं। तो आप मसीह बच्चों पर एतमाद करें, उन्हें समझाएं कि बेटा देखो अभी आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो जरा एहतियात करें चीजों का। जब हम समझाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझेंगे और उन्हें नुकसान से आगाह करें, उन्हें रोड एक्सीडेंट्स की तबाहकारियों से आगाह करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो हमारा यही पैगाम है हमेशा की तरह कि बराह करम ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा, जियो और जीने के फलसफे पर अमल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।